ये चाइनीज़ स्टाइल की मैगी आप एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो बार बार मन करेगा बनाकर खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत सारी सब्जियां हैं तो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक पैन में बॉईल करना है, इतना कि हमारे जो दो पैग आते हैं वो अच्छे से इसमें डूब जाएँ। मैगी को हमें 80-90% तक बॉयल करना है और जब पानी अच्छे से उबलने लगे तभी हमें इसमें मैगी के नूडल्स डालने हैं, पहले से नहीं डालेंगे नहीं तो वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बॉयल होते हैं। और अभी देखिए अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो बस ये जब जैसे ही लगे कि हमारा मैगी का नूडल है वो 80-90% तक कुक हो गया है तो इसे हम छान लेंगे और ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और रख देंगे कि सारा पानी इसका निकल जाए और फिर हम बाकी की तैयारियां भी इसमें कर लेंगे। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है कि जो नूडल्स हैं ये चिपके नहीं आपस में, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको हम मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके हाथ से कर लें या फिर फॉर्क की हेल्प से कर लें। तो बस इसको इस तरीके से रख देंगे और ढकना वकना नहीं है क्योंकि हमें इसे तुरंत ही बनाना है, बस पानी अच्छे से इसका निकल जाना चाहिए। तो अब एक पैन में हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, जो भी ऑयल आपको चाहिए आप उसमें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल में बनाया है। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, या फिर जैसा भी आपको ज़्यादा डालना है प्याज कम डालना है अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही लंबे लंबे इसको चॉप करके डाले, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, टोटल कुक भी नहीं करना है, तो बस हल्का सा हम इसे मीडियम फ्लेम करके पका लेंगे। और इसमें मैंने डाल दी है 2 लाल मिर्च फ्रेश वाली, आप हरी वाली भी डाल सकते हैं, बारीक चॉप करके डाला है। बस इसको भी हम प्याज के साथ मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे लंबे लंबे कटे हुए गाजर के टुकड़े। यहाँ पर एक गाजर का मैंने यूज़ किया है, छील कर ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं। हरी शिमला मिर्च है आपके पास, येलो रेड वो है तो वो भी डाल सकते हैं। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं और जितनी चाहें वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी इसमें अच्छी लगे, मटर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। और ये भी हमने हल्का सा इसको मिक्स किया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक दूसरे से मिक्स कर देना है। फिर हम इसमें डालेंगे हमारी जो उबली हुई मैगी का नूडल्स था वो, और फिर हम इसमें डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स हैं थोड़े से, तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है, कोई मेज़रमेंट इसका बहुत फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर है और ये जो दोनों पैकेट हमारे मैगी के थे नूडल्स के, उसके हमने मसाला इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच सोया सॉस है, विनेगर 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें चिली सॉस भी डाल रहे हैं। आप यहाँ टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे कि नूडल्स और जो मसाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाएं। तो जिस भी तरीके से आपसे मिक्स हो सकते हैं कर लीजिए। मैंने एक फॉर्क ले लिया, एक तरफ स्पैचुला ले लिया है और इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाएंगे। और मैगी को हमें अलग से कुक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बस ये उतना ही करना है जितनी देर में ये मिक्स हो जाए और ये हमारा मैगी बनकर फिर तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी मैगी बनती है। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है अलग से क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, पर आपको ज़्यादा खाना है तो आप ले सकते हैं। चाइनीज़ स्टाइल में ये मैगी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए।